और बिलाईगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत कोदवा के सरपंच दिव्या रत्नाकर अपने पति लहराम के साथ बुधवार को आमरण अनशन पर बैठ गई और प्रदर्शन करने लगी। तो सरपंच का आरोप है कि एसडीएम के द्वारा तालाब के किनारे लगे पेड़ को काटने का आरोप डालकर उन्हें सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद वे बिलासपुर संभाग आयुक्त का शरण लिया, जहां उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन उक्त कमिश्नर के आदेश का पालन अब बिलाईगढ़ एसडीएम पालन नहीं कर रही है, जिससे वे क्षुब्ध होकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन में बैठे सरपंच प्रतिनिधि ने एसडीएम पर 5 लाख रुपए के घूस मांगने की भी गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि उन्हें पहले ही पैसा नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी और उसी वजह से आज सरपंच गंभीर परिणाम भुगत रही है। तो वहीं दूसरी ओर बिलाईगढ़ एसडीएम ने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, उनके द्वारा अनभागीय अधिकार कोदवा को बिना जांच कमेटी के बिना जांच प्रतिवेदन के एक दिन में ही अनभागीय अधिकारी ने हमको निलंबित किया गया। निलंबन के पश्चात हमने श्रीमान संभाग आयुक्त महोदय से स्थगन आदेश ले लिए हैं। स्थगन आदेश मिलने के बाद अनभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए हमें विवश होकर के आमरण अनशन के लिए आज बैठे हैं। कितने समय से बैठे हैं? आज लगभग 3 बजे से बैठे हैं। अभी तक कोई अधिकारी पहुंचे? अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी विभाग का अधिकारी आज तक अभी तक कुछ फर्क नहीं किए। अच्छा, पैसे की मांग करने की भी बात कही जा रही थी। 16 तारीख को हम लोग आए थे एसडी महोदय के चेंबर में, 25 आदमी मौजूद थे। इस बात की जानकारी मैं स्वयं उनको दिया हूँ, आपको आपने 5 लाख रुपये मांग की थी, नहीं देने पर आप इस तरह से कार्रवाई किए हैं। मैं इस बात को अभी भी दोहरा रहा हूँ, उस दिन भी बोला हूँ।